ब्रेक के बाद आपको दिल्ली से बड़ी खबर बताते हैं, जहां बीजेपी शासित राज्य की बैठक आज दोपहर 3 बजे बीजेपी की बड़ी बैठक है। पीएम मोदी की अध्यक्षता में यह बैठक होगी। बैठक में सीएम शिवराज शामिल होंगे। बीजेपी मुख्यालय में यह बड़ी बैठक होगी। 2024 के लोकसभा चुनावों से पहले बीजेपी की बड़ी बैठक, और इसमें सीएम शिवराज सिंह चौहान भी शामिल होंगे। बीजेपी मुख्यालय में यह बड़ी बैठक होगी 2024 के लोकसभा चुनावों से पहले। भारतीय जनता पार्टी की बड़ी बैठक होने जा रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में बीजेपी शासित राज्यों की बैठक दोपहर 3 बजे शुरू होगी और इसकी अध्यक्षता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे। बैठक में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान भी शामिल हो रहे हैं, क्योंकि मध्य प्रदेश बेहद महत्वपूर्ण हो जाता है जब इस साल के आखिर में विधानसभा के चुनाव हैं और फिर अगले साल लोकसभा के चुनाव हैं, तो सबकी निगाहें मध्य प्रदेश के रिजल्ट पर जरूर होगी, क्योंकि यहां भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और ऐसे में लंबे अरसे से बीजेपी इस राज्य में सत्ता में रही है। ऐसे में इस राज्य में जीत बरकरार रखना बीजेपी के लिए बहुत जरूरी है। हालांकि चुनौती भी बड़ी है, लेकिन 2024 के लोकसभा चुनाव को देखते हुए बीजेपी की बड़ी बैठक दोपहर 3 बजे होने जा रही है, जिसकी अध्यक्षता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे। इसमें बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्री शामिल होंगे। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान भी इस बैठक में मौजूद रहेंगे। दिल्ली से यह बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, जहां बीजेपी की आज बड़ी बैठक है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में यह बैठक होने जा रही है दोपहर 3 बजे। और इस बड़ी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ दिल्ली से हमारे संवाददाता निशांत हैं। निशांत, जिस तरीके से यह बड़ी बैठक होने जा रही है, क्या मायने इसके निकाले जाए और कितना महत्वपूर्ण हो जाती है यह बैठक? देखिए, 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों की बैठक प्रधानमंत्री के साथ बेहद महत्वपूर्ण मानी जा सकती है, क्योंकि इसमें तमाम मुख्यमंत्री उनके राज्यों में जो विकास कार्य चल रहे हैं और जो विकास कार्यों की योजना है उसका ब्लूप्रिंट प्रधानमंत्री के सामने रखेंगे। साथ में केंद्र सरकार के क्या क्या कामकाज रहे हैं एक शॉर्ट मूवी के तौर पर तमाम मुख्यमंत्रियों को दिखलाया जाएगा, क्योंकि 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले राज्यों को क्या तैयारी करनी है, केंद्र की क्या तैयारी रहेगी, इन तमाम विषयों चर्चा की जाएगी और जो राज्यों की परेशानियां हैं वो परेशानियां भी सुनी जाएंगी, उनका हल की भी कोशिशें की जाएंगी। और हर साल इस तरीके की एक बैठक होती है, इस बार आज ये बैठक बीजेपी के केंद्रीय कार्यालय में होगी, जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रहेंगे और बीजेपी के शासित तमाम राज्यों के मुख्यमंत्री रहेंगे। लेकिन निशान, जिस तरीके से बैठक होने जा रही है, 2024 के लोकसभा चुनावों पर फोकस है, उससे पहले 2023 के साल के आखिर में मध्य प्रदेश में विधानसभा के चुनाव हैं। ऐसे में क्या ये समझें कि हर एक चुनाव यहां से अब सब सत्ता के सेमीफाइनल के तौर पर देखा जाएगा और मध्य प्रदेश पर क्या भारतीय जनता पार्टी का विशेष फोकस नजर आ सकता है, जब साल के आखिर में विधानसभा चुनाव के साथ ही बीजेपी यहां लंबे अरसे से सत्ता में रही? देखिए, बिल्कुल मध्य प्रदेश पर भाजपा का पूरा फोकस रहेगा, क्योंकि मध्य प्रदेश एक ऐसा राज्य है, जब बीजेपी केंद्र में नहीं थी तब भी मध्य प्रदेश में सत्ता में थी और लगातार बीजेपी मध्य प्रदेश को जीतती हुई आई है। ऐसे में विधानसभा चुनाव में भी अच्छा प्रदर्शन करने का एक दबाव है और दूसरा लोकसभा चुनाव में सारी की सारी सीटें जीतने का दबाव है। ऐसे में मध्य प्रदेश में आपने देखा होगा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार जा रहे हैं, इंटरनेशनल योगा डे के दिन भी वो जबलपुर में रहने वाले हैं। आपका तमाम जानकारी देने के लिए, तो आज 3 बजे बैठक होने वाली है और अब मेरे साथ मेरे सहयोगी नीलम जुड़ गई है भोपाल से। नीलम, बैठक होने वाली है दिल्ली में, सीएम शिवराज मौजूद रहेंगे, क्या होगी रणनीति, क्या होगा मंथन? जी बिल्कुल, देखिए नरेंद्र मोदी पीएम जो है वो बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक करने वाले हैं और अगर देखें तो साल 2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव के मद्देनजर बेहद अहम मानी जा रही है ये बैठक, क्योंकि लोकसभा चुनाव में अब करीब 11 महीने का समय ही बचा हुआ है। ऐसे में लगातार जो है जिन राज्यों में बीजेपी का परफॉर्मेंस अच्छा रहा है और आने वाले दिनों में जिन राज्यों में बीजेपी की सरकार है पर वहां चुनाव भी होने वाले, उन पर ज्यादा फोकस रहेगा। अगर हम मध्य प्रदेश के संदर्भ में बात करते हैं
तो इस साल मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव नवंबर महीने के आखिरी में होने जा रहे हैं और लगातार जो है पूरे केंद्रीय नेतृत्व का जो ध्यान है वो मध्य प्रदेश की ओर बना हुआ है, क्योंकि मध्य प्रदेश में अगर हम बीजेपी की बात करते हैं तो लंबे समय से जो है सत्ता बीजेपी के हाथों में रही है। भले ही 2018 का विधानसभा चुनाव बीजेपी हार गई थी, पर 15 महीने के बाद जो है बीजेपी ने एक बार फिर से सत्ता हासिल कर ली थी। उपचुनाव के दौरान भी बीजेपी को बड़ा बहुमत मिला था। ऐसे में अब 2023 का चुनाव किस रणनीति के तहत जो है जीता जा सकता है, क्योंकि मध्य प्रदेश में बीते दिनों हमने देखा कि काफी ज्यादा उथल पुथल की स्थिति बनी हुई थी। बीजेपी के अंदर ही कलहबाजी या गुटबाजी की बातें सामने आई थी, जिसे लेकर भी जो है ये कयास लगाए जा रहे थे कि मुख्यमंत्री जब दिल्ली जाएंगे तो इसे लेकर भी बातचीत होगी। तो बिल्कुल, और कहीं ना कहीं सब तमाम मुद्दों पर बातचीत होने वाली है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान इस बैठक में शामिल होने जा रहे हैं और ये 2:30 बजे शुरू होगी। पीएम मोदी अध्यक्षता करेंगे। शुक्रिया नीलम आपका तमाम जानकारी देने के लिए।